जय हिंद पेंशन भोगियों, वन रैंक वन पेंशन की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गई है। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक ओ और ओपी टू, जी हाँ वन रैंक वन पेंशन टू की लेटेस्ट अपडेट हम बताएंगे आपको। जी हाँ, जितने भी हमारे पास पेंशन भोगी जुड़ चुके हैं, पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक जेसो साहेबान, साथ ही सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक व तमाम मिलिट्री वेटरनों को मेरा राम राम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे ओआरओपी चैनल पे। देखिए यहाँ पे रैंक वाइज सबसे बड़ी खबर हमारे पास निकल के आ रही है, जो हमारे पेंशन भोगी पेंशन धारक को मैं बताने वाला हूँ आज की न्यूज, वो बहुत ही लेटेस्ट अपडेट दूंगा। लेकिन आपको क्या चेक करना है, वीडियो से शुरू करने से पहले या आगे की मैं कोई न्यूज बताऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ईजी है, क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होगा या बटन होगा उसको दबा लेना है, और बगल में एक छोटी सी घंटी है उसको तो अति महत्वपूर्ण है दबाना हो, वो दबा लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको जैसे ये वेलफेयर की न्यूज बता रहा हूँ, इसमें क्या है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 किस्तों में ओआरओपी 2 का किस्त मतलब एरियर मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं खुद से बता रहा हूँ, नहीं मैं अपने से खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको न्यूज मिल जाएगा जब हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी का कैबिनेट अप्रूवल हुआ था, तभी पीआईबी की तरफ से नोटिस आया था कि ओआरओपी का। तो आप जितने पेंशन धारक व पेंशन भोगियों को बता दें, 4 किस्तों में मिलेगा ओआरओपी 2 एरियर। सीएसडी कार्ड अब रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, सीएसडी कार्ड अब रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेंशन धारक व पेंशन भोगियों के लिए अब 1 जनवरी से उनका कार्ड रिन्यूअल नहीं होगा। साथ ही बता दें सीएसडी में अब आप अगले महीने का कोटा भी ले सकते हो, मतलब क्या है कि आपने अपना सामान लिया इस महीने का, लेकिन आप और भी सामान लेना चाहते हो, आपके घर में शादी है या कोई फंक्शन है, तो आप अगले महीने का भी कोटा निकाल सकते हो। 4th नंबर, कार की न्यू पॉलिसी आ गई है। काफी भूतपूर्व सैनिक व पेंशन धारक व पेंशन भोगी चाहते हैं कि कोई कार ले और अपने मतलब की फैमिलीज को घुमाने ले जाए, ऐसी तमाम पेंशन धारक और पेंशन भोगियों की नीड होती है, तो अब आप एक कार भी ले सकते हो जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो कार पॉलिसी आ गई है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। चलिए मैं वन रैंक वन पेंशन की लेटेस्ट अपडेट देता हूं। मैं सबसे पहले आपको एक यहां पे टेबल दिखा रहा हूं, ये टेबल अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये फाइनल ओआरओपी एरियर की टेबल है, इसमें ही आप अपना देख सकते हो कि आपको कितना पेंशन धारक का कितना एरियर बन रहा है। आप पेंशन धारक को पेंशन भोगी सिपाही 17 साल 16 साल करके चले जाते हैं, लेकिन अपना हक यहाँ पे देख रहे हैं कि डीए के साथ ये पूरी पेंशन दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फाइनल ओआरओपी रिवीजन पेंशन एंड एरियर कैलकुलेशन अप टू जुलाई 2022। यहाँ पे क्या है कि सिपाही अगर 16 साल करके आया तो उसका डीए को मिला के तकरीबन 1,28,100 बन रहा है। आपने एक टेबल देखा होगा जो पीआईबी की तरफ से निकल के आई थी, और इसमें कहा गया था कि तकरीबन एक हवलदार को 70,000 का भुगतान होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 70,000 का भुगतान तो दूर, आपसे पेंशन जितने भी हमारे जैसे कि वेटरन्स होते हैं जो हवलदार साहिबान होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे किसमें, हमारे जितने हवलदार ड्यूटीज़ में, मतलब कि एनसीओस लेवल की पूरी वर्क और जितना भी लोड होता है, मतलब कि जहाँ पे वहाँ उनको कमांडर बना देते हैं, जैसे कोई भी तरह का कमांडर या फिर किसी भी तरह का जिम्मेवारी या फिर अहदेदारी उन्हें सौंप दिया जाता है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इस पेंशन धारक व पेंशन भोगी काफ़ी लंबे समय से अपनी एरियर का वेट करते करते काफ़ी लोगों ने लाइन तोड़ कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी अभी भी लाइन तोड़ करने की तदार में है, या बोले जाए तो मतलब होने वाले तो काफ़ी बहुत दिन हो गया, ओआरओपी का एरियर अभी तक निकल के आया नहीं है। जल्दी से पेंशन धारक व पेंशन भोगी को उनका हक मिलना चाहिए। देखिए सुधार साहबन एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी कमेंट करते हैं कि जो पीआईबी की तरफ से पेपर या अपलोड हुआ था लेटर, उसमें सुविधा रैंक नहीं था, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सुविधा रैंक इसमें है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।